हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है, श्रीलंका तों बाद प्रदर्शनकारियां ने अराकी संसद भवन ते कीता कब्जा, पीएम मुस्तफा ने कीती शांति दी अपील। तो दोस्तों तुहानू दसीए कि भारत ते गुआंढी मुल्क श्रीलंका दे विच कुछ दिन पहला आर्थिक संकट के कारण पैदा हुई सियासी अस्थिरता कारण सड़कां उत्ते उतरे लखां प्रदर्शनकारियां ने राष्ट्रपति भवन विच दाखल हुंदे वेखे गए सी। अजिहा ही हुण इराक विच हो रहा है जिथे भ्रिष्टाचार अते कुशासन तो परेशान लोग संसद भवन दे विच दाखल हुंदे देखे गए ने। स्थानक समाचार एजेंसियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने इराक की राजधानी बगदाद दे विच संसद की इमारत दी विच भन्न तोड़ भी की है। खबरां मुताबक बगदादी के लखां नागरिक भ्रिष्टाचार अते कुशासन का विरोध करते हुए संसद दे विच दाखल हो गए जिथे उन्होंने काफ़ी भन्न तोड़ की है। अगली खबर है, 70,000 कच्चे मुलाजमान नूं पक्का करन दे लई अज मुड़ मंथन, सब कमेटी की चोण सेवें दौर की मीटिंग दे विच। तो दोस्तों तुहानू दसीए कि पंजाब दे सरकारी विभागों विच 70,000 कच्चे मुलाजमान नूं पक्का करन दे लई अज फिर मंथन होवेगा। वित्त मंत्री की अगवाई दे विच बनाई गई सब कमेटी की अज सेवें दौर की मीटिंग होवेगी जिस दे विच इन्हां मुलाजमान दे संबंध विच प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो कि मुख्यमंत्री नूं भेजा जाएगा। कैबिनेट की सब कमेटी ने अपनी मीटिंग दौरान 6 विभागों वालों अपने कच्चे मुलाजमान की सूची और संबंधित कर्मचारियों की स्थिति बारे तैयार की है। मीटिंग दौरान विभाग ने स्थानक सरकार उचेरी सिक्ख्या विभाग और सिक्ख्या विभाग के माल विभाग तो प्राप्त अंकड़ों पर चर्चा की जाएगी। दस दईए कि वित्त मंत्री वालों एक बार फिर भरोसा दवाया गया कि जल्दी ही 70,000 के करीब कच्चे मुलाजमान पक्का किया जाएगा। अगली खबर है, अर्पिता मुखर्जी के एक होर टिकाने तो मिले 20 करोड़ 3 किलो सोना भी जब्त। तो दोस्तों तुहानू दसीए कि पछमी बंगाल दे विच स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने अधिकारियों ने कोलकाता के वेलघरिया दे विच मंत्री पार्था चैटर्जी की नज़दीकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से छापा मारिया। इस दौरान बड़ी मात्रा के नकदी बरामद हुई है। नोटों की गिनती करने के लिए 5 बैंक अधिकारियों को बुलाया गया सी। इस दे नाल ही कैश काउंटिंग मशीन भी मंगवाईया गई सी। तुहानूं दस दिए कि यह जो ईडी ने छापा मारिया रात करीब 10:30-11 बजे से मारिया तो 20 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की है। सूत्रों ने दसिया कि छापेमारी के दौरान 3 किलो सोना चांदी के सिक्के जायदाद के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत के विच है। लंबी पुछगिछ तो बाद उसनू हाल ही दे विच गिरफ़्तार कर लिया गया सी। इस तो पहला 22 जुलाई में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के टिकाने तो 21 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की सी। बाद दे विच लंबी पुछगिछ तो बाद पार्था चैटर्जी भी गिरफ़्तार कर लिया गया सी। इस तो पहला अर्पिता मुखर्जी के 2 डायरियां भी जब्त की गई सी। सूत्रों के मुताबिक इन्हां विच एक डायरी के अर्पिता मुखर्जी वालों अपने बैंक खात्यां विच जमा किए कैश की जानकारी सी। ईडी जानना चाहती है कि अर्पिता मुखर्जी को नकदी कित्थों आई तो इस डायरी के वख-वख बैंकां विच कई बार नकदी जमा करवाउण दे वेरवे भी शामिल ने। यह नकदी लखां दे विच दसी जा रही है। अगली खबर है, बर्मिंगम दे विच अज होवेगा कॉमनवैल्थ गेम्स 2022 का आगाज़, जाणो कदों कदों भारत दे मैच कित्थे कित्थे होवेगा लाइव स्ट्रीम। तो दोस्तों तुहानू दसीए कि राष्ट्रमंडल खेडां 2022 यानी कि कॉमनवैल्थ द गेम्स 2022 बर्मिंगम इंग्लैंड दे विच अज तो शुरू हो रही ने। भारतीय खिडारी पूरी तैयारी के नाल इंग्लैंड पहुँच चुके हैं। हालांकि इस दौरान भारतीय टीम को बड़ा झटका भी लग्या। भारत के लिए सब तो बड़ी उम्मीदों के विचों एक नीरज चोपड़ा के सट के कारण इस टूरनामेंट के विचों बाहर हो गए हैं। नीरज के बाहर होने तो बाद 2 बार ओलंपिक तगमा जेतू बैडमिंटन खिडारन पीवी सिंधु दिनों राष्ट्रमंडल खेडों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का झंडा बरदार नियुक्त किया गया। अगली खबर है, 21 दिनों के लिए आइसोलेशन, जख्मों को ढकने की सलाह, मंकीपॉक्स के लिए सरकार के वलों नवे दिशा निर्देश जारी। तो दोस्तों केंद्र सरकार के वलों मंकीपॉक्स के मरीजों और उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन दिशा निर्देशों के 21 दिनों का आइसोलेशन, मास्क पहनना, हाथों साफ रखना, जख्मों को पूरी तरह ढक के रखना, उन्होंने पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना शामिल है। दिशा निर्देश मई के जारी किए गए सन। दिल्ली सरकार ने अपने हस्पतालों अते मालिया जिले उन्हां दी पालना करने निर्देश भी दे दिते गए ने।
अगली खबर है, केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए कढ़िया टेंडर। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए एक टेंडर जारी किया। देश में हुण तक मंकीपॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इन्हां दे विचों 3 केस केरला दे विच ने ते 1 मामला दिल्ली दे विच पुष्टि किया गया। वैक्सीन बारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि वह वैक्सीन दीआं कुछ खेपां नूं दरामद करने के लिए डेनस कंपनी बवेरियन दे नाल गलबात करनगे। अगली खबर है, DGCA ने स्पाई जेट दीआं उड़ानां ते लाई पाबंदी। अगले 8 हफ्तियां दे लई सिर्फ इन्हां उड़ानां दा दित्ता आदेश। तो दोस्तों तुहानूं दसीए कि डायरैक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाई जेट दीआं उड़ानां दी गिनती अद्धी कर दित्ती है। कई रुकावटां तों बाद हवाबाजी रेगुलेटर एंड स्पाई जेट नूं 8 हफ्तियां लई अपणियां 50% उड़ानां नूं चलाउण दा ही हुक्म दित्ते गए ने। अगली खबर है, पंजाब दे सने देश दे 7 बिजली निगमां ते पवेगा रेलवे रैंक दा वित्ती बोझ। मंत्रालय ने राज्यां नूं आपो अपने रैंक खरीदण दे दित्ते निर्देश। तां दोस्तों पंजाब दे समेत देश दे 7 बिजली निगमां ते हुण रेलवे रैंक दा वित्ती बोझ पैण जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने पंजाब समेत होर राज्यां नूं आपो अपने रैंक खरीदण दे निर्देश जारी कर दित्ते गए ने। मंत्रालय के अनुसार रैंक की घाट करके कोले की सप्लाई संचारू ढंग नाल नहीं हो रही, जिस करके बिजली निगम नूं बिजली उत्पादन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। इस दे लई आपो अपने रैंक खरीदे जाण ते इन्हां रैंकां राही रेलवे सिर्फ अते सिर्फ संबंधित सूबे नूं कोला सप्लाई करेगा। अगली खबर है, सिक्ख्या विभाग दे वल्लों 31 सेंटर हैड टीचरां नूं दित्ती तरक्की। तो दोस्तों सिक्ख्या विभाग ने 31 सेंटर हैड टीचरां नूं ब्लाक प्राइमरी सिक्ख्या अफसर दे वजों तरक्की देण दे हुक्म जारी कर दित्ते गए ने। जारी किए गए हुक्मां दे विच 1 साल दा परख काल दा समां रख्या गया। नवें बने ब्लाक प्राइमरी सिक्ख्या अफसरां नूं अपनी हाजिरी रिपोर्ट देण दे लई 5 दिन दा समां दित्ता गया। अगली खबर है, औरतों के लिए खुशखबरी, इस स्कीम दे विच हर महीने करोगे निवेश तो मिलेगी 44,900 रुपए की पेनशन। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर ब्योता औरतों के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। सरकार की राष्ट्रीय पेनशन योजना के तहत स्वय निर्भर औरतों को इस योजना के लगभग 45,000 रुपए का लाभ मिलेगा। अजिही स्थिति दे विच औरतां हर महीने इस पेनशन का लाभ लै सकदियां ने। इस पेनशन योजना के लिए 60 साल तो बाद इस स्कीम के लिए यह औरतां अप्लाई कर सकदियां ने ते उन्हां नूं सालाना 45,000 रुपए सरकार के वलों मुहैया करवाए जाणगे। अगली खबर है, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी नूं अदालत दे विच कीता गया पेश, मुड़ भेजिया पुलिस रिमांड ते। तो दोस्तों गायक सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच नामजद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी नूं गुरदासपुर की अदालत में पेश किया गया सी। दरअसल 29 जनवरी 2022 नूं भारत पाकिस्तान सरहद ते तैनात VSF के जवानों के उपर पाकिस्तान वल्लों फायरिंग हुई सी ते एक VSF जवान जख्मी भी होया सी। इस मामले दे विच पुलिस ने उस समय 53 किलो के करीब हीरोइन अते 2 पिस्टल बरामद किए सी। इस मामले में जग्गू भगवानपुरी नूं नामजद किया गया सी। इस कोलों भी पुछगिछ की जा रही है। दसणयोग है कि अदालत ने जग्गू भगवानपुरी का कलानौर पुलिस नूं सेध दिंदा होर रिमांड दे दिता है। अगली खबर है, ईडी दीआं ताकतां ते सुप्रीम कोर्ट की मोहर। तो दोस्तों तुहानूं दसीए कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले दे विच संघी जांच एजेंसी ईडी नूं काले धन नूं सफेद करन ते रोकण दे लई बने एक्ट तहत गिरफ्तारी, मनी लॉन्डरिंग दे विच शामिल संपत्ति नूं जब्त करना, तलाशी अते कब्जे विच लैण लई मिलियां ताकतां नूं बहाल कर दित्ता है। अगली खबर है, नैशनल हैराल्ड केस दे विच सोनिया गांधी तो 3 घंटियां तक हुई पुछ पड़ताल। तो दोस्तों ईडी ने नैशनल हैराल्ड अखबार नाल जुड़े भ्रिष्टाचार के मामले में कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी तो 3 घंटे पुछगिछ की है। अगली खबर है, सीनियर सिटीजनों नूं रेल किराए दे विच मुड़ मिल सकती है छोट। तो दोस्तों आलोचना तो बाद रेलवे सीनियर सिटीजनों नूं रेल किराए दे विच मिलदी छोट मुड़ शुरू करन ते विचार कर रहा है। यह सिर्फ जनरल अते स्लीपर वर्ग दे विच हो सकता है। सूत्रां ने यह जानकारी दित्ती है। यह भी हो सकता है कि उम्र सीमा दे विच बदलाव कर दिता जाए जां फिर रियायती किराए की सहूलत 70 वरियां तो वध कर दित्ती जाए। पहला यह रियायत सिर्फ 58 साल तो वध उम्र दीआं औरतां ते 60 साल तो वध उम्र दे पुरशां दे नूं ही मिलदी सी। सूत्रां ने दस्सिया कि उन्हां दा मनना है कि रायतां दा सीनियर सिटीजनां नूं लाभ हुंदा सी ते उन्हां नूं कदे इह नहीं कहा गया कि इस नूं पूरी तरह बंद कर दिता गया है। अगली खबर है, देश विच करोना दे 18,313 नवें मामले ते 57 जणिआं दी मौत। तां दोस्तों भारत विच इक दिन दे अंदर करोना दे 18,313 नवें मामले सामने आउण तों बाद देश विच कोविड मरीजां दी गिणती वध के 4,39,38,764 हो गई है।
केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी किए गए अंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की करोना करके मौत हुई है, जिस तों बाद मरण वालों की गिनती 57 हो गई है, जिस तों बाद टोटल मरण वालों की गिनती हुण तक 5,26,110 हो गई है। अगली खबर है, CBI ने रेलवे भर्ती घपले के लालू यादव नूं दे सबका OSD किया गिरफ़्तार। तो दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रेलवे भर्ती घपले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के आगू लालू प्रसाद यादव के सबका OSD भोला यादव को गिरफ़्तार कर लिया है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री भगवंत मान अज लंबी हल्के विच फसलों के खराबे का लैणगे जायजा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान अज हलका लंबी दे सरावां जेल दे विच मीह दे पानी नाल डुब्बियां हजारां एकड़ फसलों का जायजा लैणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान पिंड मिठा पन्नीवाला ते रनीवाला का दौरा करनगे। मुख्यमंत्री बनन तों मगरों भगवंत मान दी बादलों के गढ़ हल्के लंबी दे विच पहली फेरी तों इलाके दे किसानां नूं वड्डियां उम्मीदां ने। अगली खबर है, PGI ने मंकीपॉक्स केसां दे इलाज विच कमर कसी। तो दोस्तों, दुनिया भर के तेजी नाल फैल रहा वायरस मंकीपॉक्स बीमारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इस दौरान PGI चंडीगढ़ ने इस बीमारी के प्रबंधन लई तैयारी कर ली है। उत्तर भारत की इस प्रीमियर ए संस्था ने मैनेजमेंट के PGI स्थित नहरू हस्पताल के कम्युनिसिबल डिसीज वार्ड के कुछ बैडा तो नहरू हस्पताल के एक्सटेंशन के ICU बैडा का प्रबंध भी कर लिया है। अगली खबर है, औरतों लई हैलमेट पहनना किया लाजमी। तो दोस्तों, चंडीगढ़ के दो पहिया वाहन चला या फिर अजिहे वाहनों की सवारी करने वेले औरतों लई हैलमेट पहनना लाजमी कर दिता गया है। इसे चंडीगढ़ प्रशासन वालों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए ने। इस दे नाल ही कौंसल के शहर बिचली भीड़ वाली सड़कों पर वाहन रोकण या खड़ाउण ते भी पाबंदी लगा दी है। अगली खबर है, BSNL की सुरजीती दे लई 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकार की मालकी वाली टेलीकॉम कंपनी BSNL नूं मुड़ सुरजीत करन दे लई 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज नूं मंजूरी दे दित्ती है। सरकार ने BSNL नूं 4G सेवावां देण दे लई स्पैक्ट्रम देवेगी। उन्होंने कहा कि BSNL दे बकाए नूं इक्विटी दे विच बदलिया जाएगा ते नाल ही कंपनी इन्ना ही राशि बैंक कर्जे की अदायगी लई बोंड जारी करेगी। ये उन्होंने कहा कि पैकेज विच 43,964 करोड़ रुपए का नगद हिस्सा शामिल है। अगली खबर है, खेतीबाड़ी विभाग का सारा कामकाज पंजाबी दे विच यकीनी बनाया जाए, कुलदीप धालीवाल। तो दोस्तों, खेतीबाड़ी विभाग का पूर्ण नवीनीकरण ते समय का हाल ही बनाने संबंधी पिछले दिन ही मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों नाल मीटिंग करके हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने। इस संबंध के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल वालों विभाग के अधिकारियों नाल मीटिंग करके हदायतां भी जारी कर दित्तियां गईयां ने। सरकार की हर किसान भलाई स्कीम का हेठला पद्धर किसानों नूं लाभ का यकीनी बनाया जाए। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब खेती प्रधान सूबा जिस दे विच 70% आबादी खेतीबाड़ी ते निर्भर है। उन्होंने कहा इस नाल ही कि सूबे दे लोकां नूं मुख बोली अते भाषा पंजाबी है, जिस कारण पंजाब सरकार दीआं हदायतां अनुसार खेतीबाड़ी विभाग का सारा काम काज पंजाबी विच ही यकीनी बनाया जाए। अगली खबर है, सतेंद्र जैन के विरुद्ध ED ने दाखिल किया 2 सपत्र। चार्जशीट के 6 मुलजमान ते 4 कंपनियां के नाम शामिल। तो दोस्तों, मनी लॉन्डरिंग के मामले में ED की जांच के सामना कर रहे दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री सतेंद्र जैन खिलाफ़ केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ED ने उस खिलाफ़ आमदन तो वध जायदाद के मामले में रोज़ एवेन्यू अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। हाउस एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट से नोटिस लैण के लिए कुछ समय बाद सुनवाई करेगी। सूत्रों मुताबिक दायर चार्जशीट से सतेंद्र जैन समेत 6 दोषियों के 4 कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। पहला नाम है सतेंद्र जैन, दिल्ली सरकार के मंत्री ने। पूनम जैन उन्हां दी पत्नी है। वैभव जैन प्रवीण जैन का रिश्तेदार है। अंकुश जैन जिन्हों गिरफ़्तार कर लिया गया। सुनील कुमार जैन अंकुश जैन का पिता है। अजीत कुमार जैन वैभव जैन का पिता है। अंकिंचन डिवेलपर प्राइवेट कंपनी का नाम आया। एक प्रयास इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आया। एक JJ आदर्श कंपनी का नाम आया। अगली खबर है, दिल्ली तो बाद हुण इस सूबे दे विच नहीं चल सकणगे पुराने वाहन। 70 लाख वाहन होणगे बंद। तो दोस्तों, तुहानू दसीए कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पछमी बंगाल दे विच 15 साल तो पुराने सारे वाहनों नूं हटाउण दा हुक्म दे दिता है। NGT दे हुक्मां दे विच कहा गया कि अगले 6 महीनों में इन्हां वाहनों नूं पड़ावार बंद करन दी लोड़ है। यह हुक्म सूबे भर के वाहनों ते लागू होवेगा। जिन्हां वाहनों नूं पड़ावार बंद किया जाना है उन्हां विचों ज़्यादातर VS4 इंजन वाले वाहन होणगे। अगली खबर है, सिप्पी सिद्धू हत्या के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हुई है सुनवाई।
तो दोस्तों कौमी पद्धर के निशानेबाज ते एडवोकेट सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में मुलजम कल्याणी सिंह वजों दायर की गई जमानत पटीशन उत्ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के सुनवाई हुई है। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि सारिया तरह एक एफीडेविट दाखिल कर कि उन्होंने इस अदालत में सुनवाई तो कोई दिक्कत नहीं है। जेकर किसी भी धर को कोई इतराज है तो वह इस बारे दस सकते हैं। तुहानू दस दिए कि यह मामला अगली सुनवाई हुण सोमवार को होगी। करीब 7 साल पहला सिप्पी सिद्धू का चंडीगढ़ के गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। अगली खबर है स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सारे रजेवे से पब्लिक मिलनिया कीतियां बंद। तो दोस्तों पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपील की है, जिसकी बेनती करदे उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को ना मिलने की अपील है। उन्होंने कहा कि जिस तो बाद विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी एक पोस्ट देखने को मिली है, जिस विच उन्होंने अपने आपनों एकांतवास करने की गल कही है। तो दोस्तों यह सन अज सवेर दियां ताज़ा ते मुख वड्डियां खबरां। जे तुहानू साडा इह वीडियो ते जानकारी वधिया लगदी है तो अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो। तो जे तुसीं चैनल दे पहली बार आए हो जां चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लिओ ते नाल बणी घंटी नूं भी दबा दिओ, जिस नाल तुहानू आउण वाली हर एक नवीं खबर दा नोटिफिकेशन सब तो पहला मिलदा रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे हां किसी नैक्सट वीडियो दे विच किसी होर नवीं जानकारी दे नाल। तद तक लई धन्नवाद।